हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज देख सकते हैं क्राउन 17 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है हमारे पास। इस टीवी जो है चालू कंडीशन में है, इसमें दूसरा इशू है, टीवी ऑन कंडीशन में है, लेकिन जो फॉल्ट है इसमें एक बार हम दिखा देते हैं। ये फॉल्ट इस तरह की टीवी में काफ़ी आता है। इसमें जो मदरबोर्ड लगा होता है इसमें यह शिकायत आता है। शिकायत यह है, आप देख सकते हैं ये पीसी मोड आया है। अब जो है इसमें अगर हम ए वी करने जाए तो ये देखिए पूरे फंक्शन इसमें से गायब है। ये सिर्फ पीसी मोड है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ए वी वगैरह, एचडीएमआई, कुछ भी इसमें फंक्शन नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये देखिए खाली पीसी है, एचडीएमआई, यूएसबी, ए वी, कोई फंक्शन इसमें नहीं है। तो इस तरह की जो फॉल्ट है, एक तो ये कस्टमर एक टेक्नीशियन है, ये मेरे पास ये टीवी सॉफ्टवेयर करने के लिए लेकर आए हैं। सो उनको लगा कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर से ये टीवी ओके होगा। उनके पास व्यवस्था नहीं थी तो हमारे पास लेकर आया सॉफ्टवेयर करने के लिए। तो मेरा जो काम है वो सबसे पहले देखना है कि ये टीवी बिना सॉफ्टवेयर के ओके हो सकता है क्या। तो बिना सॉफ्टवेयर के हम ट्राई करेंगे, उसके बाद ही इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये जो फॉल्ट है और ये जो सिस्टम है, इस ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सर्विस मोड में भी दिया हुआ है। तो हो सकता है कि सर्विस मोड में ये फंक्शन जो है ऑफ ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, हालांकि तो हो सकता है कि वहाँ से ये फंक्शन ऑफ हो गया हो। कभी कभी ऐसा भी केस आता है, कुछ वजह से ये ऑफ हो जाता है। तो हम वहाँ पहले देखते हैं। सॉफ्टवेयर करने से तो ये टीवी 100% ओके हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, सॉफ्टवेयर के चक्कर में रिमोट वगैरह चेंज हो जाएगा और दूसरा इशू भी हो सकता है। क्योंकि रिमोट चेंज हो जाएगा तो मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह के बोर्ड की रिमोट की जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा दूसरे किस्म के होते हैं। देखा गया कि रिमोट ही काम नहीं कर रहा है। तो हम पहले तो इसका सर्विस मोड खोल के चेक करेंगे। सर्विस मोड होगी इसकी मेनू 1147, नहीं खुला, एक बार और ट्राई करते हैं। मेनू 1147 1147 से सर्विस मोड खुला है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे तो ये पिक्चर मोड है, ये सारे चीज़ें देखते देखते आएंगे नीचे तरफ। ये देखिए इनपुट सोर्स, इस पर जाते हैं हम। इनपुट सोर्स, इस पर ओके करेंगे। यहाँ देखिए, सॉरी ये ब्लर हो रहे हैं, टीवी जीरो है, ए भी जीरो है, एस वीडियो वन है, एक एस कार्ड ये वन है, बाकी वाई पी बी पी आर जीरो जीरो है। सब देख सकते हैं, मीडिया, एच डी एम आई सब जीरो है। तो ये दोनों वन है, मतलब ये ऑन है, इसलिए ये पीसी मोड आ रहा है खाली। ये भी अगर ऑफ हो जाता तो पीसी मोड भी नहीं आता। तो हमें क्या करना है, ये सभी को 111 कर देना है। तो इसको हम 1 करते हैं, ये ऑन हो गया। उसके बाद वाला भी ऑन करते हैं, ये 1 हो गया। उसके बाद ये 0 वाला, इसको भी हम 1 करते हैं। उसके बाद ये HDMI, इसको भी 1 करते हैं। उसके बाद मीडिया, इसको भी ऑन करते हैं। और फिर इसमें देखिए और एक चीज़ है, ये भी जो है, ये भी जो ए भी है, ए भी में और आगे भी है, देख सकते हैं। ए भी 1, ए भी 2, ए भी 3, ठीक है, 3 ए भी है इसमें, जो कि ये नॉर्मल बोर्ड है तो एक ही ए भी की सॉकेट होगा इसमें। तो हम 1 ही करते हैं, तो 2-3 कर देंगे तो वो 2-3 ऑप्शन आ जाएगा आप सामने। तो हम ये भी 1 रखे हैं, तो सिर्फ एक ही ए भी आएगा। अब हम मेनू से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए सारे को हमने ऑन कर दिया, अब मेनू से हम बाहर आ जाते हैं, ये एग्जिट। अब जो है हम टीवी को एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे, पावर प्लग से निकाल देंगे। अब इसको लगाते हैं पावर में। अब ये टीवी ऑन हुआ, ये अभी भी पीसी मोड है यहाँ पे।
और देखते हैं अभी ये भी जो सोर्स है उसमें ये सिलेक्शन का ऑप्शन आया भी है या नहीं। ये देखिए सारे ऑप्शन इसमें आ चुका है, टीवी, ए भी, एचडीएमआई, पीसी, मीडिया, तो सिलेक्ट होता भी है या नहीं ये भी देखना है। तो हम चलते हैं ए भी पर, ये ए भी हो गया सिलेक्ट। अब हम इसमें वीडियो सिग्नल भी देकर देखते हैं, वीडियो सिग्नल, ये वीडियो है, वीडियो सिग्नल, ये हाथ से करना मुश्किल होगा। ये देखिए आ गया, ऑडियो के कनेक्शन हमने नहीं दिए, सो ऑडियो की कनेक्शन भी दे देते हैं। ये ऑडियो भी आ गया, ये देख सकते हैं, ये टीवी दोस्तों ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ नॉलेज मिला हो, इस वीडियो से आपका कोई फायदा हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।